आपके साथ मैं हूं अनुजा। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। पार्टी की राज्य इकाई के कार्यकारिणी अध्यक्ष एलोक्सो लोरेंको ने सोमवार को विधानसभा के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया है। लोरेंको टीएमसी में शामिल होंगे और इसके लिए कोलकाता पहुंचे हैं। लोरेंको मंगलवार को टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी से मुलाकात करेंगे। लोरेंको के इस्तीफे के बाद 40 सदस्यीय सदन में पार्टी विधायकों की संख्या घटकर 2 रह गई है। राज्य में हाल ही में कांग्रेस के 2 और विधायकों ने इस्तीफा दिया है। प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची पिछले ही सप्ताह जारी की थी और लोरेंको का नाम उनमें शामिल था। दक्षिण गोवा जिले के कटोरिम सीट से विधायक लोरेंको ने सोमवार दोपहर विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय को अपना इस्तीफा सौंपा है। सूत्रों ने बताया है कि उन्होंने बाद में कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। लोरेंको इस संबंध में प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए। इस महीने की शुरुआत में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक ने भी कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। कुछ महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। गौरतलब हो कि तृणमूल कांग्रेस ने गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।